हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच के बारे में। सो सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच, नाम जब आप इसका पढ़ते हो तो आपको पाउच से ये पता चलता है कि ये क्या होगा, एक पोटेंशियल स्पेस होना चाहिए, इसीलिए हम वर्ड यूज में ले रहे हैं पाउच। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो डीप पेरिनियल पाउच होता है ये एक पोटेंशियल स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो हम जब इन पेरिनियल पाउच को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये चीज याद रखनी है हमें कि डीप पेरिनियल पाउच इज नॉट ए ट्रू पाउच, इट इज नॉट ए पोटेंशियल स्पेस, बट सुपरफिशियल पाउच इज ए एक्चुअल पेरिनियल पाउच। ठीक है, तो आप ये पाओगे कि जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो एरिया है ये एक पोटेंशियल स्पेस है जहां पे गैप है, और ये जो एरिया है ऐसा कोई भी पाउच वहां पे नहीं होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन भी होना चाहिए। उस लाइन ऑफ डिमार्केशन के बेस पे आप एक चीज को बोलोगे सुपरफिशियल और दूसरे को बोलोगे डीप। तो वो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो क्या है, एंड दैट लाइन ऑफ डिमार्केशन जो कि सुपरफिशियल ऑफ एंड डीप पेरिनियल पाउच के बीच में होती है उसको हम बोलेंगे पेरिनियल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब आपको इनिशियली जब आप इस पेरिनियल पाउच के टॉपिक को पढ़ रहे हो बुक से तो दो चीजें पता होनी चाहिए कि पेरिनियल पाउच एक पोटेंशियल स्पेस है, लेकिन ये पोटेंशियल स्पेस सिर्फ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के लिए यूज होता है। डीप पेरिनियल पाउच इज नॉट ए पोटेंशियल स्पेस, इट इज नॉट ए स्पेस, इट इज नॉट ए ट्रू पाउच। दूसरी चीज कि सुपरफिशियल और डीप हम किस रेफरेंस में यूज ले रहे हैं, सो उसका रेफरेंस है पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो स्ट्रक्चर पेरिनियल मेम्ब्रेन के डीप है उसको हम बोलेंगे डीप पाउच, और जो स्ट्रक्चर पेरिनियल मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल है या नीचे की तरफ है उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल पाउच। ठीक है, तो नाउ वी विल गो अहेड, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउच किस तरह से बनते हैं और इनकी क्या बाउंड्रीज होती हैं। तो इसको जब आप समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी हम पेरिनियल पाउच की बात करते हैं हमें सबसे पहले पेरिनियम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, ये आपका ऑब्चुरेटर फोरामेन है, दिस इज योर इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ओके। पोस्टीरियरली हमारे पास ये कॉक्सिस एंड सैक्रम होता है। सो व्हेन यू विल सी द इंफीरियर व्यू ऑफ द बॉडी तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि एक हमारी बॉडी में वो एरिया है जो स्टैंडिंग पोस्चर में नजर नहीं आता है। जब आप स्टैंडिंग पोस्चर में साइड से देख, मैंने साइड व्यू बनाया है, तो आप अगर साइड से भी देखोगे या आगे से देखोगे तो हमें एक वो एरिया है जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ दिस बिटवीन द एरिया बिटवीन द थाई, वो हमें नजर नहीं आ सकता। वो देखने के लिए हमें नीचे से लैटरल रोटेशन एंड अबडक्शन के साथ थाइज को करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक द पर्सन सुपाइन एंड यू हैव टू मेक द लैटरल रोटेशन ऑफ द थाइज एंड देन ओनली यू आर एबल टू सी द एरिया बिटवीन द टू थाइज एंड दिस इज नोन एज पेरिनियम, जहां पे हम एक्चुअली एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज को देख पाते हैं। तो जब भी हमें रेक्टम एनल कैनाल का एग्जामिनेशन करना है, वेजाइनल कैनाल का एग्जामिनेशन करना है, स्क्रोटल्स का एग्जामिनेशन करना है, या उनमें कुछ ऑपरेशन करना है या कोई इंटरवेंशन करना है, तो आपको उस एरिया को देखने के लिए लिथोटोमी पोजीशन देनी पड़ती है। और वो जो एरिया है जहां हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दिखते हैं वो क्या है, पेरिनियम। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ऊपर हमारे पास एक डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या है, थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम। ये थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। इसी तरह से नीचे की तरफ इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हमारे पास यहां पे भी अंदर एक डायफ्राम होता है। ये जो डायफ्राम है ये आपके पेरिनियम यानी
जो एरिया थाइस के बीच में है जो दिखता नहीं है उस एरिया को इस एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। यानी एब्डोमिनल कैविटी दो डायफ्राम के बीच में है। कौन कौन से दो डायफ्राम है? थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम एंड पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। और पेल्विक डायफ्राम के नीचे का जो एरिया होगा ये क्या एरिया है? दिस इज द पेरिनियम। पेल्विक डायफ्राम के नीचे का एरिया क्या है? पेरिनियम, ठीक है। और ये पेल्विक कैविटी भी कहलाती है। तो ये जो पेल्विक कैविटी है ये पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के साथ कंटिन्यू कर रही है, लेकिन पेल्विक कैविटी का डिमार्केशन, लोअर डिमार्केशन है पेल्विक डायफ्राम, और पेल्विक डायफ्राम के नीचे जो एरिया बचा वो क्या है? पेरिनियम, ठीक है। तो अब जब आप इस एरिया को नीचे से देखोगे तो आपको ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये रेमाइन, स्टिल ट्यूबरोसिटी और पीछे की तरफ कॉक्सिस। तो ये जो डायमंड शेप एरिया है, इस डायमंड शेप एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बाय लाइन विच इज मीटिंग द टू स्टिल ट्यूबरोसिटी। ये आगे वाला जो एरिया है दिस इज नोन एज यूरोजेनाइटल ट्राइंगल एंड दिस इज नोन एज एनल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इस ट्राइंगल में एनस है और इसमें क्या है? यूरिनरी एंड जेनाइटल सिस्टम। यानी हमारे इस वाले ट्राइंगल में यूरिनरी का एग्जिट यानी यूरिथ्रा एंड जेनाइटल का एग्जिट यानी वजाइनल कैनाल हमें यहां दिखेगी, और यहां पे क्या दिखेगा? ओपनिंग ऑफ एनस, ठीक है। अब ये जो एरिया है, आज हम सिर्फ इस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर, पेरिनियम के इस एरिया के अंदर आपको दो पाउच मिलते हैं। इसके अंदर हम दो पाउच पढ़ते हैं, एक पाउच कहलाता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और एक कहलाता है डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। अब अगर आप यहां पे इस चीज को देख रहे हैं तो आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि पेल्विक डायफ्राम तो एक कंप्लीट डायफ्राम है, ठीक है। पेल्विक डायफ्राम कंप्लीट डायफ्राम क्यों है? बिकॉज जब आप पेल्विस देखते हैं तो पेल्विस के अंदर सेंटर में मिड लाइन में कोई बोन नहीं है, लेकिन मिड लाइन में ऑर्गन है। मिड लाइन में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, हमारे पास यूट्रस है। तो अगर हमें उन ऑर्गन्स को जगह पे रखना है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो सपोर्ट कौन दे रहा है? पेल्विक डायफ्राम। सो पेल्विक डायफ्राम तो एक कंप्लीट डायफ्राम है जो कि पूरे पेल्विस के अंदर है और वो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सपोज अगर पेल्विक डायफ्राम नहीं होगा तो ये ऑर्गन्स नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो उन ऑर्गन्स को सपोर्ट देने के लिए मिड लाइन में आपके पास क्या है? पेल्विक डायफ्राम। अब पेल्विक डायफ्राम के नीचे मैंने बोला क्या है? पेरिनियम। तो आपको सपोज ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या है? आपका पेल्विक डायफ्राम है। ये पेल्विक डायफ्राम है जो कि एक कंप्लीट डायफ्राम है और ये पेल्विक कैविटी के अंदर है, ठीक है। तो ये आपकी पेल्विक कैविटी है, उस पेल्विक कैविटी में ये क्या है? पेल्विक डायफ्राम। इसके ऊपर ऑर्गन रखे हुए हैं, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर रखा हुआ है, यूट्रस रखा हुआ है, ठीक है, और पीछे की तरफ क्या है? रेक्टम एनल कैनाल है। तो ये उन सबको सपोर्ट कर रहा है, क्लियर। अब इसके नीचे जो आपका ये एरिया है, ये एरिया कहाँ है? इसके नीचे है, क्लियर। तो यहां पे आगे क्या है? ये दो स्टियोप्यूबिक रेमाएं हैं, ठीक है। सो ये स्टियोप्यूबिक रेमाएं हैं, ये प्यूबिक आर्च है, ये यहां आगे है, क्लियर। अब इस स्टियोप्यूबिक रेमाएं और इस पेल्विक डायफ्राम के बीच में यहां पे एक और ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो ये आपका यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है, ये यहां पे आ गया, ओके। तो आपने इस डायग्राम को अगर आप आगे से देख रहे हो तो ये क्या है? यूरोजेनाइटल डायफ्राम। और यूरोजेनाइटल डायफ्राम क्या पीछे तक जाता है? नो, इट इज नॉट गोइंग टू द पोस्टीरियर साइड, इट इज ए ट्राइंगुलर शेप ऑफ डायफ्राम एंड इसका ये पोस्टीरियर मार्जिन है और ये इसकी इंफीरियर सरफेस है, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, और ये डायफ्राम किस डायफ्राम के नीचे है? इस पेल्विक डायफ्राम के नीचे। तो पेल्विक डायफ्राम के नीचे आगे की तरफ एक और डायफ्राम है और इस डायफ्राम का नाम क्या है? यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इस यूरोजेनाइटल डायफ्राम की इंफीरियर सरफेस पे देखिए, डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम इज ए मसल। डायफ्राम क्या है? मसल है। ये वाला डायफ्राम क्या है? इट इज अगेन मेड अप ऑफ मसल। पेल्विक डायफ्राम क्या है? इट इज मेड अप ऑफ
लिविट्रेनाई मसल। इसी तरह से यूरोजेनाइटल डायफ्राम भी क्या है, एक मसल है। और यहां पे यूरोजेनाइटल डायफ्राम के अंदर जो मेन मसल होती है दैट इज नोन एज डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई। सो ये जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है ये किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ मसल एंड दैट मसल इज नोन एज डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई। इस मसल के नीचे एक फेशियल लेयर है, एक फेशिया है जो थिक हो जाता है, और ये जो थिक फेशिया है, ये थिक फेशिया क्या कहलाया, ये थिक, ये सपोज ये फेशिया है, ये फेशिया के इसकी इंफीरियर सरफेस पे ऐसे कवर कर लिया, तो ये जो फेशिया है, नाउ दिस फेशिया इज नोन एज पेरिनियल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दैट, पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन, तो अगर आप यहां बाहर से अंदर की तरफ जब डिसेक्शन कर रहे हो, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम बिलो अपवर्ड और यू आर डिसेक्टिंग फ्रॉम बिलो अपवर्ड, आप सबसे पहले क्या हटाओगे, पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे क्या आएगा, यूरोजेनाइटल डायफ्राम, और यूरोजेनाइटल डायफ्राम के ऊपर क्या आएगा, पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, लेकिन बात इतनी सी है कि यूरोजेनाइटल डायफ्राम आगे की तरफ ही होता है, यानी यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में होता है, ये एनल ट्राइंगल जो पीछे की तरफ है उसमें नहीं होता है। एनल ट्राइंगल के अंदर ऊपर की तरफ सब जगह क्या है, पेल्विक फ्लोर और पेल्विक डायफ्राम। सो पेल्विक डायफ्राम इज ए कंप्लीट डायफ्राम, बट यूरोजेनाइटल डायफ्राम इज ए ट्राइंगुलर शेप डायफ्राम विच इज प्रेजेंट ओनली इन यूरोजेनाइटल ट्राइंगल बिटवीन द इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड इस्चियोप्यूबिक रैमाए। ये बात समझ में आ गई। और यहां पे अब हम स्पेस की बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच और पेरिनियल स्पेसेस। तो अगेन व्हेन यू विल सी दिस, आप जब इस ओरिएंटेशन को देख रहे हो तो देखिए ये जो पेरिनियल पाउच, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला पेरिनियल मेम्ब्रेन इज ए डिमार्केशन बिटवीन द डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के डीप में यानी इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये चीज है। व्हाट इज दिस, दिस इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो यूरोजेनाइटल डायफ्राम किसके ऊपर है, पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम क्या कहलाएगा, व्हाट इज द अनदर टर्म यू कैन यूज फॉर यूरोजेनाइटल डायफ्राम इज डीप पेरिनियल पाउच। तो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, अगर कोई आपको पूछ रहा है कि अच्छा बताओ यूरोजेनाइटल डायफ्राम कहां होता है, आंसर इज डीप पेरिनियल पाउच में होता है। यूरोजेनाइटल डायफ्राम किससे मिलके बनता है, आंसर इज मसल से मिलके बनता है। इस मसल का नाम क्या है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल। तो यहां पे मोटा मोटा जो आपको चीज समझ में आती है वो क्या समझ में आती है कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम डिसेक्ट कर रहे हैं, अगर आप पेरिनियल मेम्ब्रेन को हटाओगे नीचे से ऊपर जब जाओगे तो आपको एक मसल नजर आती है, उस मसल का नाम होता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम का। और एक्चुअली आप पेरिनियल मेम्ब्रेन को हटा चुके हो, एक्चुअली आप कहां पहुंच चुके हो, डीप पेरिनियल पाउच में। क्लियर, तो ये जो तीनों चीज है, इन तीनों चीज में क्या रिलेशन है, ये आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम यूरोजेनाइटल डायफ्राम की बात करेंगे, हम जब भी यूरोजेनाइटल डायफ्राम नाम सुनेंगे, हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि यूरोजेनाइटल डायफ्राम यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में होता है, और ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम भी एक मसल से मिलकर बनता है जिसका नाम है डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, और ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम ही डीप पेरिनियल पाउच भी कहलाता है। यूरोजेनाइटल डायफ्राम ही क्या कहलाता है, डीप पेरिनियल पाउच। क्लियर, अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम एक सजाइटल सेक्शन लेंगे। ठीक है, जब आप सजाइटल सेक्शन देखोगे तो सजाइटल सेक्शन में व्हाट यू आर एबल टू सी इज कि ये हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, मैं मेल का सेक्शन बना रहा हूं, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से आप नीचे गए, दिस इज योर पिनाइल एरिया, देन यू विल हैव द स्क्रॉटम। क्लियर, और ये पीछे एनल कैन, यहां पे दिस इज योर प्यूबिक बोन,
ठीक है, हिप बोन ये इस तरीके से, ये आपका ऑब्ट्यूटर फोरम है। अब जो हमारा यूरोजेनाइटल डायफ्राम था वो कहां अटैच था, वो यहां पे अटैच था। ठीक है, अभी मैंने बताया ये जो आपका इस्टियोप्यूबिक रमाई यहां पे अटैच था, तो ये इस्टियोप्यूबिक रमाई है विच इज गोइंग टुवर्ड्स द इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। इसको थोड़ा सा इस्चियल ट्यूब्रोसिटी की पोजीशन बनाए थे, दिस इज योर इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, क्लियर। सो ये जो आपका एरिया है, ये एरिया क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर डीप ट्रांसवर्स पेरिनाय। ये मसल कौन सी है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाय। ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनाय दोनों इस्टियोप्यूबिक रमाई के बीच में ट्राइंगुलर तरीके से स्ट्रेस्ड है। इस डीप ट्रांसवर्स पेरिनाय मसल के नीचे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, दिस इज योर पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब अगर आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में देखते हैं तो आपको पता है यहां पे एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेनस लेयर, इज नोन एज स्कार्पास फेशिया, स्कार्पास फेशिया। ये स्कार्पास फेशिया नीचे की तरफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पिनाइल फेशिया बनाता है, और ये पिनाइल फेशिया बाद में स्क्रोटम में जाके क्या बनाता है, डार्टोज मसल, जहां पे स्मूथ मसल फाइबर्स बढ़ जाते हैं, और फिर ये पेरिनियम में आके क्या कहलाता है, कुलीज फेशिया। और ये कुलीज फेशिया एनल ट्राइंगल में नहीं जाएगा, और ये इस पेरिनियल मेम्ब्रेन की पोस्टीरियर साइड आके मर्ज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कुलीज फेशिया। ठीक है, सो आप अब यहां पे एक पोटेंशियल स्पेस देख रहे हो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस ग्रीन कलर इज पेरिनियल मेम्ब्रेन, दिस इज पेरिनियल मेम्ब्रेन, एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर, दिस इज व्हाट, ये क्या है, दीज आर द डीप पेरिनियल पाउच, और यू कैन से डीप ट्रांसवर्स पेरिनाय मसल, और यू कैन से यूरोजेनाइटल डायफ्राम, क्लियर। सो यूरोजेनाइटल डायफ्राम और डीप ट्रांसवर्स पेरिनाय की इंफीरियर लेयर क्या कहलाई, पेरिनियल मेम्ब्रेन, और ये पेरिनियल मेम्ब्रेन पीछे की तरफ से किसके साथ मिल रहा है, कुलीज फेशिया के साथ, और कुलीज फेशिया किसका कंटिन्यूएशन है, यू कैन सी दैट दिस इज द कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब आप यहां पे ये पोटेंशियल स्पेस देख रहे हो, नाउ दिस स्पेस इज नोन एज सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, व्हाट इज दैट, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। यहां पे आपको एक बात ये समझनी है कि ये जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है ये पीछे की तरफ से सील्ड है, क्यों सील्ड है, क्योंकि जो कुलीज फेशिया है वो पीछे जाके पेरिनियल मेम्ब्रेन की पोस्टीरियर बॉर्डर एंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सपोज ये जो आपका, सपोज ये क्या है हमारा यूरोजेनाइट, दिस इज पेल्विक डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम के आगे ये क्या है आपका, दिस इज योर एरिया फॉर यूरोजेनाइटल डायफ्राम, सो दिस इज योर यूरोजेनाइटल डायफ्राम, क्लियर, दिस इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम। अब ये जो इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या है, विल हैव दिस, व्हाट इज दिस, पेरिनियल मेम्ब्रेन, क्लियर। अब ये जो कुलीज फेशिया है, ये जो कुलीज फेशिया है ये जाके पीछे सील कर देता है इसको, तो यहां पे इस तरीके से पीछे के आके सील हो गया कुलीज फेशिया। तो यानी यहां पे जो ये स्पेस है ये पीछे नहीं जा रहा है, एनल ट्राइंगल में कंटिन्यू नहीं कर रहा है। सो आपको एक तो ये याद रखना है कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच पीछे से कौन सील कर देता है उसको, द आंसर इज द कुलीज फेशिया जॉइंट विद द पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ दिस यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइड में, साइड में ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है ये किसके साथ मर्ज हो गई, दिस इस्टियोप्यूबिक रमाई के साथ, इस आर्च के साथ मर्ज हो गई। ठीक है, तो जो आपका कुलीज फेशिया है वो आके इससे मर्ज हो गया, और साथ में साइड में यहां पे मर्ज हो गया। ठीक है, तो यानी साइड में भी कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, बट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये कंटिन्यूएशन आपको याद रखना है, दैट दिस सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कंटिन्यू इनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल
below the scarpa's fascia. Now this is a very commonly asked question in your exam कि superficial perineal pouch कहाँ continue करता है? तो क्या वो पीछे continue कर रहा है? No. क्या वो side में continue करता है? No. तो कहाँ continue करता है? Anterosuperiorly. This is anterosuperiorly in abdominal wall. Abdominal wall में भी, anterior abdominal wall में भी कौन सी layer? Below scarpa's fascia. यानी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, उन एब्डोमिनल मसल्स और स्कार्पा फेशिया के बीच में ये जो एरिया बनेगा, इस एरिया के अंदर आपका सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कंटिन्यू कर रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि सपोज इस एरिया में कुछ भी कलेक्शन हुआ, यूरिन हुआ, पस हुआ, ब्लड हुआ, दैट कैन गो अपवर्ड इनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये जो एरिया है, इस एरिया का डाउनवर्ड एक्सटेंशन भी थाइज में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये एरिया साइड से निकल के थाइज में जा रहा है। क्यों? बिकॉज यू हैव द होल्डन्स लाइन। सो होल्डन्स लाइन क्या है कि ये जो आपका फेशिया है जो एब्डोमिनल वॉल से जा रहा है, ये जाके होल्डन्स लाइन पे आपका जो फेशिया लाटा होता है उसके साथ मर्ज हो जाता है। तो उसके नीचे अगेन यू डोंट हैव द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्पेस। सो इन नटशेल आज आपको इतनी सी बात समझनी है कि सुपरफिशियल पाउच एंड डीप पेरिनियल पाउच की क्या लोकेशन है और दोनों में डिफरेंस क्या है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है कि डीप पेरिनियल पाउच इज नॉट ए ट्रू पाउच, इट इज मेड अप ऑफ ए मसल इज नोन एज डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई विच इज ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप इज नोन एज यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड इट लाइज अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन। व्हाइल द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इज ए पोटेंशियल स्पेस which is lies below the perineal membrane and because it is superficial means it is below this perineal membrane it is known as superficial perineal pouch which is closed posteriorly by the fusion of Cooley's fascia with the perineal membrane and it extend anteriorly and anterosuperiorly into the abdominal wall between the muscle layer of the anterior abdominal wall and the fascia scarpas. उन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ये कंटिन्यू करता है। सो समटाइम्स यू हैव द इंफेक्शन और द यूरिन और वॉट एवर द कलेक्शन मे गो इनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूएशन। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि यूरोजेनाइटल डायफ्राम सिर्फ यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में होता है। ये कंप्लीट डायफ्राम नहीं है जो पीछे सैक्रम तक जाए। सैक्रम तक जो डायफ्राम पेल्विस में हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज पेल्विक डायफ्राम। उस पेल्विक डायफ्राम के नीचे एक और छोटा सा डायफ्राम है जो ट्राइंगुलर शेप में है, दो ऑस्टियोप्यूबिक रामाई के बीच में है और उसका नाम है यूरोजेनाइटल डायफ्राम। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच। थैंक यू।